केजल का वैसे भी ये इतना खतरनाक टूर फर्स्ट टाइम ये अपनी जिंदगी में कर रही है। हम बाप बेटी एक घोड़े पर बैठेंगे, केजल की मम्मा दूसरे घोड़े पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आपका। एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में वेलकम करते हैं। साधो सामान हम लोगों ने गाड़ी में सारा अपना एडजस्ट कर लिया है, आवाम भी सारी बैठ चुकी है। ओ भाई सारे बैठ गए हैं ना? नहीं बैठे, कौन रह गया है? छोटी दुनिया इधर ही है, इधर ही है, इधर ही है। केजल भी बैठ गई है जी, वाओ हीरो लग रही है मेरी बच्ची। मेरी बच्ची हीरो लग रही है, हीरो। चलो जी निकले निकले निकले, क्या लेने जा रहा है अब? नेक पिलो। चलो ठीक, पिलोस वगैरह और भी लेने। पिलोस कौन से? कोई भी नॉर्मल सोने वाले। हाँ ये तो सही है, मैं लेकर आता हूँ। रुको उधर, लूडो बाद में खेल लेंगे, पहले सफर के लिए बिस्मिल्लाह करके निकल जाते हैं, है ना जी? चलो मैं लेकर आता हूँ पिलो। ये जी मैंने पिलो ले लिए और दूसरे वाले पिलो शेख ऊपर से लेने गया है, नेक पिलो। हाँ शेख, नेक पिलो नहीं मिल रहे? चलो मैं कवल को ही भेजता हूँ। हम लोग जी अभी पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद और यहाँ से ब्रेकफास्ट किया सबने, इसके बाद निकलेंगे दोबारा अपने सफर की तरफ। सफर जी हमारा बाकी 2 घंटे का रह गया है, लेकिन आवाम की नींद ही खत्म नहीं हो रही। इधर सो रहा है कोई, इधर सो रहा है कोई, वो सो रहा है कोई, यहाँ सोने की एक्टिंग कर रहा है। मैं करने लगा था यार, एकदम से ब्रेक लगा दी थी भैया ने। ये शक्ल क्यों नहीं दिखा रहा? नहीं दिखानी, मुझे शर्म आती है, मैं सुकून से बैठ ही जाता हूँ, क्योंकि अभी रास्ता बहुत ही उल्टा उल्टा सा है। और एक इधर सो रही है, दूसरी एजल उधर सो रही है। अभी जी रास्ते में हम लोग रुक गए हैं क्योंकि हमारी गाड़ी का शायद टायर पंचर हो चुका था, लेकिन अभी यहाँ पहुँचे हैं तो जो पंचर वाले भैया वो कहते हैं टायर पंचर नहीं हुआ बल्कि नोजल लीक हो, तो अब वो नोजल वगैरह ठीक करवाएंगे और वापस अपने सफर पर रवा दवा हो जाएंगे। अभी तो बारिश नहीं हो रही, अभी तो हल्की हल्की सी किनमिन किनमिन है, बल्कि रिमझिम रिमझिम। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। आ जाओ, नहीं निकलने का दिल गाड़ी से, वापस ले चलें। ओ अल्लाह के बंदो, उठ जाओ, पहुँच गए हैं, उठो सुस्तियाँ दूर कर लो, आ जाओ आ जाओ। ओ उठ जाओ अल्लाह के बंदो, उठ जाओ, सारा सफर सो ही काटते हैं यार। चिल्ला क्या कट गया है, तू बंदा एंजॉय करता है सफर का ही तो मजा होता है यार, तुम लोग सो ही नहीं थक रहे, थके हुए इंसान। मैं ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा सोया हूँ। दरअसल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं शुकरान, और शुकरान में हमारा आज रात का स्टे है। आज रात के स्टे में अभी आते ही हम लोग चेंज करने लगे हैं कपड़े शपड़े, क्योंकि अभी यहाँ से थोड़ा बहुत खाना शाना खाने के बाद निकलना है हम लोगों ने सिरी पाए के लिए। सिरी पाए कोई लोकेशन है, मैं पहले तो गया नहीं, फर्स्ट टाइम ही मैंने जाना है। पहले हाँ मैं आया हूँ नरान का गान, शुगरान भी मैं फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। खाना शाना हम लोगों ने खा लिया है और रेडी भी हो चुके हैं, बस निकलेंगे क्योंकि टाइम हो चुका है 4:30 और यहाँ पर रात भी जल्दी हो जाती है, हमारा सफर तकरीबन आधे घंटे का है। चलो इधर को मैं पकड़ता हूँ, इधर को पकड़ता हूँ, लॉक शॉक लगा लेना रूम्स के, फोटो शूट करने का टाइम नहीं है, अंधेरा हो रहा है, आधे घंटे का सफर है, तुम लोगों का शूट ही खत्म नहीं हो रहा है यार। हाँ जी बालू जी, बालू जी को छोड़ो, टाइम नहीं है, फोटो शूट हो गया, वेट कर रहे हो। चलो आओ चले बैठो यार, आओ फिर जीप्स वगैरह में बैठो। किसकी चाबी? रूम की? तुम अपनी जेब में रख लो यार, तू एतबारी बंदा, मैं बेतबारी बंदा, तू बेतबारी, तेरा कोई एतबार, तेरा कोई भी एतबार नहीं कर। जी ठीक है जी, प्यार हुआ था, ओके अजी प्रार साहब। सिरी पाए के लिए हम लोग रवाना हो चुके हैं और हमारी जीप बहुत ही मस्त और नई नकोर है। आज तक मैं बता दूं कि जब भी मैं नॉर्दर्न एरिया में आया हूं, मैंने इतनी खूबसूरत जीप नहीं देखी जितनी खूबसूरत जीप भाई की है। यार ये आपने बहुत ही खूबसूरत जीप बनाई हुई है और बैठने का भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा है मुझे। हम 3 लोग एक जीप में बैठ गए हैं, बाकी लौंडे लौंडे दूसरी जीप में बैठ चुके हैं, और रास्ता काफी खतरनाक भी है। चलो मैं तो अपनी बेटी को लेकर बैठा हूँ,
जोर से मैंने हेजल को पकड़ लिया। हेजल एंजॉय कर रहे हो? हेजल बेचारी एंजॉय क्या करेगी? हेजल का वैसे भी ये इतना खतरनाक टूर फर्स्ट टाइम ये अपनी जिंदगी में कर रही है ना हेजल? हेजल का ये पहला पाकिस्तान का टूर है। नहीं तो अभी तक हेजल ने अपनी जिंदगी के 6 महीनों में 2 इंटरनेशनली टूर ही किए हैं, एक थाईलैंड का और दूसरा अल्लाह के घर का। रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है, चढ़कर बैठना तुम लोग भी। हाँ बैठो। ये नारायण का हाल है, ये सामने मलका पर इसके बैग पे सेफली मिल गया। ये सिरी पहुंच गए ना हम लोग। ये सिरी है और ये सिरी लेक है नीचे। ये सिरी लेक है, ये सिरी लेक है, इसके ऊपर भी पाए मेडल है। पहले पाए चले? हाँ अभी पहले हम पाए जाएंगे, फिर वापसी पे आके टाइम हुआ तो हम सिरी विजिट करके। अच्छा ये सिरी पाए अलग अलग है, लोग तो एक ही समझ रहे थे। नहीं चले ठीक है, इधर सो गई है। इतने खतरनाक सफर में भी ये बंदी सो चुकी है, जिस बात की हैरानगी हो रही है क्योंकि लगातार हम लोग हिलते ही आ रहे हैं। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा व्यू है यार, बहुत प्यारा है। पाए हम लोग जी पहुंच चुके हैं और पाए का नज़ारा बहुत ही जबरदस्त है, माशाल्लाह बहुत अच्छी नेचुरल खूबसूरती है। यार ये ऊपर क्या है? पाए टॉप ऊपर है, तो ऊपर घोड़ों पर जाएंगे। तुम लोग जा रहे हो? हाँ यार मेरे साथ हेजल भी है ना, तो घोड़े पर हम लोग किस तरह से लेकर जाएंगे? फिर वही तो कह रहा हूँ, या तो फिर हम लोगों को ट्रैकिंग करनी पड़ेगी या फिर हम लोग यहाँ ही रहेंगे। इन दो कामों में से एक काम करना पड़ेगा। घोड़ा स्लिप तो नहीं होगा? नहीं नहीं होता है। तो बच्चे के साथ कंफर्टेबल रहेंगे हम लोग? हाँ रहेंगे, कंफर्टेबल तो रहेंगे। आगे हैंडल लगा हुआ है, देख लेते हैं, कमल से पूछ लेते हैं, ट्राई मार लेते हैं यार। अगर कंफर्टेबल रहे तो ठीक है, अगर ना रहे तो फिर रहने देंगे। ठीक है चले जी, घोड़े पर मैं बैठी हूँ, लाए इधर मुझे पकड़ा देंगे। लाए जी लाए जी लाए जी, बिस्मिल्लाह ऐसे वो बैठ जाएगी। ये हम बाप बेटी एक घोड़े पर बैठेंगे, हेजल की मम्मा दूसरे घोड़े पर। मैं कवर करके बिठाया भाई हेजल को। जी जी आपने, हाँ जब भी बारिश होगी ना तब छतरी का इस्तेमाल कर लेंगे। अभी रहने दे, जाने दे अभी, बस आराम से आराम से आराम से, बहुत आराम से अभी तो। हाँ बिल्कुल आराम से, आराम से जाएगा जी, आपकी मर्जी के मुताबिक। हाँ बिल्कुल बहुत आराम से चलना है, आप टेंशन नहीं। वही ना मैंने कहा बच्ची है ना हमारे साथ। यार पाए तो बहुत 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 खूबसूरत जगह, माशाल्लाह जमीन पर जन्नत जैसा नजारा पेश कर रही है ये जगह। और मौसम भी ठंडा ठार, दिल बहार, गर्मी से एकदम हम लोग सर्दी में आ गए हैं, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग हो रही है हमारी, तो क्या बताऊं। कमल अपनी माँ होने की जिम्मेदारी यहाँ पर भी निभा रही है, हेजल बेचारी को नींद आ रही है, उसको सुलाने की कोशिश करते हुए सो भी जाने। लेकिन मुझे पता है कि हेजल को मैंने कितनी मुश्किल से पकड़ कर घोड़े पर सारी ट्रैकिंग की है, क्योंकि खुश हूँ कि ये इतना मोटा वाला मैंने इसे पहना लिया, ये ट्रिपल मोटा ये कंबल पहनाया, शुक्र है, क्योंकि जितनी ठंड थी इसको ठंड लग सकती थी। अच्छा किया तुमने, ज्यादा कपड़े पहनाने चाहिए बच्चों को, बिकॉज अगर सर्दी कम हो तो कपड़े बंदा उतार ले वो अच्छे रहते हैं, ज्यादा कर ले वो अच्छा नहीं रहता। इस बंदे ने सारी अपनी पिक्चर्स फोटोज बनाने के बाद फ्री हो चुका है, और शेख की अब बारी है पिक्चर्स और फोटोज बनवाने की, तो वो भाई को लेकर साइड पर चले गया कि यार आजो साइड पर। भाई गई तरला मार लो, भाई कहते मुझे खुद नहीं खींचनी आती यार। चलें जी वापस चलें, अब हो गया बहुत शौक पूरा, पाए भी हम लोगों ने घूम लिए। मेरा घोड़ा कहाँ? ये है मेरा घोड़ा। अच्छा चलें जी, लाओ हेजल को मुझे पकड़ा दो। चाय हमारी बनकर आ चुकी है और साथ में ये हैं जी हमारे अंडे। वापस आते आते ना हमारे अंडे और चाय का ऐसा मिक्सचर बन गया ना, मैं क्या बताऊँ, दिल घबराने लग गया मेरा, क्योंकि इतना हिलजुल वाला सफर था ना। एक तो मैंने इसको सारे रास्ते पकड़ कर रखा था, और दूसरा मैंने ये दोनों पाँव यहाँ पर जमा कर रखे हुए थे, तब जाकर मैं अच्छे तरीके से सफर कर पाया। काफी साथी जी थोड़ी सी हम लोगों ने रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद ना बॉन फायर का माहौल बना लिया है, और इसके साथ खाएंगे खाना और फिर सो जाएंगे, क्योंकि थकावट बहुत ज्यादा हो गई है। लास्ट नाइट भी हम लोग सोए नहीं है सही तरह से, और अगर आज भी नहीं सोए ना तो फिर मुझे पता है कि कल का दिन हमारा बहुत मुश्किल से गुजरेगा, इसलिए कल का दिन मुश्किल से ना ही गुजरे तो अच्छी बात है। इसलिए आज के ब्लॉग से अपने भाई को दे इजाजत, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक वीडियो और अच्छे अच्छे कमेंट्स। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।